तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है वो एक बार फिर से बढ़ चुका है, क्योंकि एलएसी पर ड्रैगन अपने एक से बढ़कर एक एडवांस फाइटर जेट तैनात कर रहा है और यह भारत के लिए आगे चलकर बड़ा खतरा बन सकते हैं। परंतु ऐसे संकट के समय में भारत के मित्र रूस ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे ड्रैगन की तो सांसें फूल ही गई हैं, परंतु भारत के अंदर खुशी की लहर दौड़ चुकी है। दरअसल भारत के अंदर रूस के राजदूत हैं डेनिस अलीपोव, उनकी तरफ से भारत और रूस के संबंधों को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल भारत और रूस के बीच में जो दोस्ती है वो 75 साल पुरानी हो चुकी है और इन्हीं संबंधों का हवाला देते हुए डेनिस अलीपोव जी ने कहा कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो पिछले 75 सालों से चली आ रही है और कई गंभीर संकट आए परंतु भारत और रूस की दोस्ती कभी भी नहीं टूटी और इन 75 सालों के अंदर भारत और रूस में जो अच्छा सहयोग है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। जैसे भारत के लिए फाइटर जेट का निर्माण करना हो, इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर शिप और फ्रिगेट वगैरह बनानी हो, साथ में भारतीय नौसेना के पनडुब्बी कार्यक्रम के तहत भारत का सहयोग करना हो, इसके अलावा भारतीय सेना के लिए ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल और युद्धक टैंक का निर्माण करना शामिल है। और रही बात S-400 की, तो भारत S-400 को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता और दुविधा को मन में ना लाए। रूस ने जिस प्रकार से भारत से वादा किया था कि S-400 को समय पर हम पहुंचाएंगे, S-400 की जो डिलीवरी है वो तीव्रगामी गति से और अपने समय पर ही की जाएगी और इसमें भारत की सुरक्षा के साथ रूस किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और इस प्रकार से रूसी राजदूत के द्वारा दिया गया बयान भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिन में भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से तनाव चरम सीमा पर है और हमें चीन के खिलाफ डिप्लॉय करने के लिए तत्काल अपने S-400 की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को रूस भी समझता है। इसलिए राजदूत ने कहा कि भारत को तीव्रगामी गति से और समय सीमा पर ही S-400 दिया जाएगा। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि यदि भारत और चीन के बीच में संघर्ष हुआ तो रूस हमारा साथ देगा या फिर चीन का? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।